बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाइयों कैसे हो? मैं खुसूसी एक ऐलान करना चाहता हूँ और एक फर्क खोकर को पैगाम देना चाहता हूँ कि फर्क खोकर आज तुमने मुझे गालियाँ निकाली हैं, दो टके के मसलियों को बैठा के और उसे गालियाँ निकलवा के, मतलब कि गालियाँ तुमने निकाली क्योंकि वो तेरे चमचे हैं। एक उनके बारे में तुम्हें बात नहीं करूंगा, उनकी क्या औकात है, वो तो बिट साफ करने वाले और क्या उसको कहते हैं मसली से क्या गिला करना पड़ता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं फर्क होकर कि गालियां बदतमीजी मैं भी कर सकता हूं और मुझे तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ये वीडियो जिस भाई ने भी देखनी है और उसको शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देखनी है। मेरे भाइयों आज बड़े दुख के साथ और अफसोस के साथ खोकरों के खिलाफ मैं ऐलान कर रहा हूं, खुसूसी फर्क खोकर की वजह से, और फर्क खोकर नहीं फर्के को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि तू कितना बड़ा बदमाश है, तेरी बदमाशी हमने देखी है, हमसे क्या भूला हुआ है, तू कितना बड़ा बदमाश है हमें पता है। तू बातें लोगों को सुना, हमें ना सुनाया कर फेसबुक पे वीडियो लगा के गालियां निकलवाते हो। एक दूसरी बात ये, जगह भी तेरी, टाइम भी तुम्हारी मर्जी का। बताओ मुझे, मैं ऐलान करता हूं फर्क होकर, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, लड़ो मेरे साथ और खुसूसी बड़े इज्जत और एहतराम के साथ महकमे को सरकार को मैं सलाम पेश करना चाहता हूं कि ISI पाक फौज और पुलिस तक 15 तक ये मैं ऐलान करना चाहता हूं कि इनसे दुनिया तंग है, इन खोखरों को मैं और जुल्म नहीं करने दूंगा, ना किसी का प्लाट कब्जा करने दूंगा, ना किसी से बता लेने दूंगा, कोई भी नहीं। मैं इसका खिलाफ खड़ा हो गया, बेशक मुझे जान भी देनी पड़े। सरकार जो भी पाकिस्तान की आवाम है मेरे साथ मिलके तावन करके मेरे साथ चलो। मैं सरकार को भी अपील करता हूं कि मेरी तावन करे, ये दुश्मन बहुत ही जुल्म वाले जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं और ये चीजें मुझसे नहीं बर्दाश्त होगी। और फर्क होकर किधर थे ये मसली जब तुम लोग पकड़े गए, अडेला जेल में जलील होते रहे हो 5 साल, बलिजान ने डेरा संभाला, 3 रेड रेंजर के हुए तेरे मसली बाके हैं, 5 साल तेरी इज्जत मैंने बार रखी फर्क खोकर। मैंने 5 साल में तुमसे एक तनख्वाह कोई सबूत करो मेरे में मैंने ली हो। मैंने अपने आप से जो कुछ भी किया अपने आप से, क्योंकि मैं नजरी हूं, तेरा घर मैंने नहीं छोड़ा है फर्क, क्या तुम्हारा घर मैंने नहीं छोड़ा है, तुम्हारी मैंने इज्जत बार रखी, लेकिन तुमने बेनस्लों वाला काम किया और तुमने बेनस्ले रखे साले लंगड़े लूले रखे। अगर ये जड़े बनते तो जय न गांव छोड़ के आए, किसी की टांग टूट के किसी के बाजू पे फैर लगे और कोई मर गए, उधर जाके पूछो ना, मलुके से पूछो ना, जड़े बनते हो ये वही मसली है। फर्क होकर के मेरे आके तू रोता था, तुमने जेल से मुझे फोन किया कि जना गार्डन होरी टोर में तुम्हारे कोठी पे इस बगैरतों ने कब्जा किया था, तुमने मुझे कहा कि इज्जत बेइज्जती का सवाल है वली जान, मैंने कब्जा छुड़ा के मैंने बंदे बैठा के तुम्हें चाबियां दी थी, तू जड़ा बनता है तुम्हारे में जड़ों वाले क्या काम है, जुल्फों रख के बंदा बदमाश नहीं बनता। जो तेरी प्यो की इज्जत थी ना, जो तेरी प्यो की इज्जत थी वो तूने खत्म कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ बरादरी है, मैं कोई बूटे से नहीं पैदा हुआ, मेरे भाई हैं, मेरे कजन हैं, पूछने वाले बहुत हैं, जो तेरे पूछे तेरे से तो अपनी बरादरी खुश नहीं है। जाओ बिलाल खोकर MPA की सीट से खड़ा था कि ललियाल तुम्हारा गांव में 70 वोट तुम्हें मिले थे, 70 वोट लोगों के साथ जुल्म कर करके तुम लोग थक गए हो, अल्लाह के अजाब में पकड़े हुए हो फिर भी तोबा नहीं निकालते हो, गैरत का जड़ा बनता है। चैलेंज मैंने दी है तुम्हारा जवाब का मैं इंतजार करूंगा,
मुझे जवाब दे, मैं तुमसे जवाब, तेरी कितनी फरमाइशी है, मैं तेरी आकड़ तुमसे निकालना चाहता हूँ, फर्क क्या आकड़ तुमसे निकालना चाहता हूँ, फर्क खोकर तेरे में कितनी आकड़ है बता मुझे, तू मुझे खोकर हाउस बता, तेरे खोकर हाउस हो के तेरे साथ मैं न लड़ा तो मैं बगैरत हूंगा, मैं गरीब नबी जान का बेटा हूँ, तू ताजी खोकर का बेटा है, तू ताजी खोकर के नाम से चलता है और वली जान अपने नाम से चलता है, मैं बहुत आजिज हो के इस मैंने बड़े मुश्किलों से नाम कमाया और तेरे वालद का तू नाम इस्तेमाल करते ना दो टके का तूने ताजी खोकर को कर दिया है, और ये मेरी वीडियो सही तरीके से सुनना और जो तेरी आकड़ है ना वो मुझे जवाब देना, खोकर हाउस बोलना, तू इतना बड़ा फरमाश बनते ना मैं को सलूट करता हूँ सरकार को सलूट, उसके अलावा तू जीटी रोड बंद कर, तू कहता है मेरा फोर्स है, तू एक घंटा जीटी रोड बंद करके बता, मैं दो घंटे बंद करके बताऊंगा, तू दो घंटे बंद कर, मैं चार घंटे बंद करूंगा, आ जा लगा तेरे में कितनी साह है, बातें करता है आकड़ी बताता है, लोगों से वीडियो देख के गालियां निकलवाता है, अगर साह है तो खुद वीडियो बना, खुद गालियां निकाल, पता भी लगे कि लोग किस तरह जवाब देते, जुड़ो वाले काम किया कर, बगैरतों वाले नहीं, नस्ली नस्ली बनो। अस्सलाम वालेकुम।